तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मेरे पास क्या है, एक ये सेपरेटर मशीन है और ये सेपरेटर मशीन होती है, इसका जो काम होता है मोस्टली जो हम लोग इसका यूज करते हैं ये डिस्प्ले टच कॉम्बो कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं यदि उसमें एलसीडी की प्रॉब्लम आती है या कॉम्बो की रिपेयरिंग करना है, अब सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कॉम्बो की रिपेयरिंग में। यहाँ पर बात आती है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन में अगर कॉम्बो की रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अगर कॉम्बो की रिपेयरिंग करते हैं तो एलसीडी रिपेयरिंग करने के लिए कॉम्बो रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहली बात जो हमको सबसे पहली चीज चीज की जो जरूरत पड़ती है वो होता है एलसीडी सेपरेटर। कटिंग वायर ग्लू रिमूवर क्लॉथ ओसीए सीट बबल रिमूवर। अगर आपको मोबाइल फोन में कॉम्बो रिपेयरिंग करना है तो कॉम्बो रिपेयरिंग करने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो आपको एलसीडी सेपरेटर की जरूरत पड़ती है। अब एलसीडी सेपरेटर क्या है, एलसीडी सेपरेटर जो होता है ये क्या काम करता है, हमारे जो डिस्प्ले कॉम्बो जो होता है उसको पकड़ लेता है, ग्रिप की तरह कवर कर लेता है। पकड़ने के बाद फिर हम उसको वायर के माध्यम से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती बात आती है वायर की, जो हम लोग कटिंग वायर यूज करते हैं तो कटिंग वायर एक आता है 0.4 mm और एक आता है 0.5 mm। जो 0.5 mm आता है ये हमारा मोस्टली हम लोग टच की कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ऐसा मोबाइल फ़ोन आता है जिसमें टच नहीं होता, ग्लास लगा होता है उसको कटिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसमें ग्लास लगा होता है उसको कटिंग करने के लिए हम लोग 0.4 mm वायर का इस्तेमाल करते हैं, और जो टच होता है उसको कटिंग करने के लिए हम लोग 0.5 mm कटिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सेपरेटर होता है, इस सेपरेटर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो तुम्हारा आता है टेम्परेचर सेट करने के लिए, दूसरा आता है वैक्यूम सेट करने के लिए। वैक्यूम को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये आपकी मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मशीन में कितना वैक्यूम है, ये मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप मशीन का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादातर जितने भी सारी मोस्टली होती हैं सारी मशीनों का टेम्परेचर हाई होता है और अच्छी तरीके से गर्म हो जाती हैं, लेकिन सभी मशीनों में बस प्रॉब्लम एक ही आती है, वैक्यूम की प्रॉब्लम आती है। किसकी प्रॉब्लम आती है, वैक्यूम की प्रॉब्लम आती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो आप 100 100 से लेकर के 110 या 1, अगर सर्दियों को समय पर 120 तक भी सेट कर सकते हैं। जब 120 पे सेट कर देंगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऊपर अच्छे से गर्म हो जाएगा और वैक्यूम जो होगा वो वैक्यूम हमेशा हाईएस्ट रहता है, फुल रहता है और अच्छी तरीके से कॉम्बो को पकड़ लेता है और हम मोबाइल फ़ोन में कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद डिस्प्ले टच ओसीए जो भी रिपेयरिंग करना चाहे सारी रिपेयरिंग को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आज मैं एक हमारे पास स्टूडेंट हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक अपना मशीन परचेज किया हुआ है, मशीन लिया हुआ है, तो उस मशीन के साथ साथ मैं सिखाने वाला भी उनको, ताकि वीडियो के माध्यम से उनको भी सीखने को मिलेगा। और भी आप जैसे जो नए लोग हैं जो मशीन लेना चाहते हैं या मशीन से संबंधित काम करना चाहते हैं या डिस्प्ले टच रिपेयरिंग के बारे में पूरा सीखना चाहते हैं, तो उसमें से आपको इसके बारे में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दो तरीके की हमारी जो मशीनें आती हैं, सेपरेटर जो है आज के दौर में दो तरीके के हो गए। एक तो पहला सेपरेटर जो आता था, जो पहले टाइम में आता था, जिसमें बहुत सारे ऐसे छेद होते थे, ऐसे जाली नुमा छेद होते थे, ये जो सेपरेटर होता था इसमें हम ऐसे डिस्प्ले को रख लेते थे और अपने कटिंग कर लेते थे। लेकिन अब जो नॉर्मल एक और नया एक एडवांस सेपरेटर आया हुआ है, उस सेपरेटर में कोई भी छेद नहीं होते, सिर्फ एक ही छेद होता है और उसमें भी बहुत सारे महीन महीन ऐसे वायर्स लगे होते हैं जिसके माध्यम से उसमें वैक्यूम क्रिएट होती है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल एरिया बना होता है ऐसे। इस रेक्टेंगल एरिया में हम लोग रबड़ को रख करके डिस्प्ले टच जो होता है, डिस्प्ले टच को हम लोग कटिंग कर सकते हैं। अब ये वाले इस वाले में फ़र्क क्या होता है, ये जो पुराना वाला होता था इसमें छेद होते थे, हम इसके ऊपर रबड़ रख लेते थे कटिंग करते, तो जो डिस्प्ले के अंदर जो कटिंग करते समय कॉम्बो जब टूटा होता था तो बहुत महीन महीन से जो कांच के टुकड़े होते थे, जो रेसे होते थे,
वो सेपरेटर के अंदर चले जाते थे और हमारा जो वैक्यूम के अंदर जो मोटर होती थी उसको सक कर लेते थे। इससे क्या होता है, वैक्यूम की मोटर हमारी काम करना धीरे 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 वैक्यूम काम करना कमज़ोर हो जाती थी। फिर जब हम काम्बो रखते हैं तो वो कटिंग करते समय बार बार हिल जाता है, हिल जाता है। तो इससे हमको लगता है पहले तो सेपरेटर हमारा बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन साल दो साल तीन साल बाद वीक हो गया। लेकिन कंपनी ने अब इसमें सुधार किया है। इसी कमी को दूर करने के लिए जो सुधार ये किया है कि इसमें से एक इस तरीके का डिजाइन बना दिया है जिसके कारण से क्या होता है, अंदर कांच के टुकड़े वैक्यूम मोटर के अंदर जा ही नहीं पाते। दूसरी बात क्या होता है, इसके अंदर छोटा सा एयर फिल्टर लगा होता है, इस फिल्टर की वजह से कांच के टुकड़े नहीं जाते और कांच के टुकड़े हमारे बाहर ही बने रहते हैं। जब हम साफ करते हैं तो आसानी से अलग हो जाते हैं और हमारा वैक्यूम मोटर सेफ रहता है और वो लॉन्ग लाइफ काम करता रहता है। यदि फूक जाएगा, खराब हो जाएगा तो ही खराब होगा, वरना कभी वो वीक नहीं हो सकता, कमज़ोर नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे लगता है कोई भी चीज़ ज़िंदगी में दो कंडीशन पर खराब हो जाती है, एक तो पहली कंडीशन में खराब हो जाती है जब जल जाए फूक जाए खराब हो जाए तब खराब हो जाती है, दूसरी कंडीशन में तब भी खराब हो जाती है जब उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, वीक हो जाती है या प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। क्योंकि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन ठीक होने के लिए आता है, मुझे लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन का जब मैं टच बदलूंगा तो टच बदलते समय 100 रुपये का टच आएगा, उसका हम 400-500 रुपये लेने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने सही से नहीं बदला या रिपेयरिंग करते समय हमसे पूरा काम्बो ही खराब हो जाएगा, काम्बो फूट जाएगा, तो उस कंडीशन पर फिर हमको 1000-1200 रुपये काम्बो डालना पड़ेगा। इससे कस्टमर को भी महंगा पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट एरिया भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्योंकि आप 1100 रुपये काम्बो डाल करके 1200-1300 रुपये लेने वाले हो और 100 रुपये का ग्लास डाल करके 400-500 रुपये लेने वाले हो, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट एरिया यहाँ ज़्यादा रहने वाला है, वहाँ प्रॉफिट एरिया भी कम रहने वाला है और कस्टमर का नुकसान भी होने वाला है। तो ये सारा सब चीज़ किस वजह से हो जाता है, एक छोटे से सेपरेटर की वजह से। तो LCD सेपरेटर है, इसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास दो तरह के सेपरेटर हैं, एक ये वाला सेपरेटर है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ये एक पावर केबल आती है, इस पावर केबल को इस सेपरेटर पे हम लोग लगाएंगे। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझने के साथ साथ तुमको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जाओगे तो उसको यूज करोगे। तो ये हमारा जो सेपरेटर मशीन आती है, सेपरेटर मशीन को हम लोग, ये देखो जालीनुमा, पहले ओल्ड सेपरेटर, इसको यहाँ पर ऐसा होता है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, जब वैक्यूम को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इसमें भी टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन आता है, इसमें आप 120 तक सेट कर सकते हो, इंटर किया, बाकी सब कुछ नॉर्मली रहता है। इसको लगाएंगे, उसके बाद जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये इस मोबाइल फ़ोन को मैं इसमें रखूँगा, ये इसको पकड़ लेगा, कटिंग करेगा। अब इसकी पकड़ने की अगर कैपेसिटी अगर आप देखेंगे, देखिए ये ज़्यादा इतनी खास हमारी स्ट्रांग नहीं है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इसमें रखा, इसको जो हमने उठाया तो इसकी हमारी कैपेसिटी ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं नए वाले सेपरेटर की। इसमें जैसे छेद बना हुआ, बाकी वैक्यूम वैक्यूम सब कुछ सेम है, सिर्फ ऊपर का डिज़ाइन का फ़र्क क्या कर दिया कंपनी ने, हमने पावर केबल को अलग हटाया। अब देखिए जो मेरा नया वाला जो सेपरेटर है, इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें देखिए जैसे इसमें छेद थे ऐसे इसमें छेद नहीं है, इसमें जो छेद थे इसमें छेद नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है। यहीं से हमारा कंप्रेस चालू होता है, वैक्यूम मोटर चालू होती है और इसको खींचता है, हम लोग इसको रख लेंगे। दूसरी बात क्या, इसकी जो रबड़ बनाई है वो भी बहुत एडवांस तरीके की रबड़ बनाई है। इस रबड़ को हम लोग इसमें ऐसे रख देंगे, ऐसे रखने के बाद फिर हम जैसे मशीन को ऑन करेंगे, वैक्यूम चालू करेंगे, उसके बाद हमारा जो LCD काम्बो होता है, LCD काम्बो को इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए इसका कैपेसिटी साइज भी बिल्कुल बराबर का दिया हुआ है, आपने रखा, इसने खुद अपने मन से सक कर लिया। सक करने के बाद अब आप इसको उठाएंगे, नहीं उठ रहा है ना, तो उससे मजबूत है ना, देखो पूरा सेपरेटर उठ गया लेकिन काम्बो नहीं उठने वाला है। अब ये तभी छोड़ेगा जब इसकी कटिंग कर देगा, है ना। तो इसका मतलब होता है इसका पकड़ने का कैपेसिटी क्या हो गया है, अच्छा हो गया है, स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया है। दूसरी बात क्या, इसकी रबड़ की जो थिकनेस होती थी, ये भी देखिए रबड़ की जो थिकनेस थी ये पतली थी, लेकिन अब जो रबड़ की थिकनेस है वो देखिए मोटी है, तो मोटी है, स्ट्रांग है, इससे क्या होगा, रबड़ फटेगी नहीं, कटेगी नहीं, साइज भी कम है। दूसरी बात क्या, इसका ग्रिपिंग जो साइज दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है, ग्रिपिंग साइज बहुत अच्छा देने की वजह से जब आप इसमें देखिए अपने मन से थोड़ा सा खुद खींच लेता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ जो रेक्टेंगल एरिया बना है उसमें वैक्यूम क्रिएट है, क्योंकि वैक्यूम तभी बन सकता है
जब उसको अच्छी तरीके से कवरिंग करी जाए, अच्छी तरीके से कवरिंग होती है तो वैक्यूम स्टोर हो जाती है, उसको खींच लेता है, तो इसका स्ट्रांगनेस ज़्यादा है। तो आप जितने भी सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जब भी आप सेपरेटर को परचेस करेंगे, सेपरेटर जब भी आप खरीदेंगे, तो आप इस टेक्नोलॉजी का सेपरेटर खरीदेंगे। इस वाले सेपरेटर में कोई ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का डिफरेंट आता है। अगर ये 2000 का आएगा तो ये 2500 का आएगा, अगर ये 2500 का आएगा तो ये 3000 रुपये का आएगा। सिर्फ 400-500 रुपये का डिफरेंट है, लेकिन उस 400-500 रुपये के लालच के चक्कर में हम लोग कभी ज़िंदगी भर उसका गलत सौदा नहीं करेंगे। ताकि अगर हमारे देखो, सबसे पहले रिपेयरिंग करने वाला जो भी पर्सन होता है, उसके मेन होता है उसके औजार, उसके टूल्स की मजबूती होती है। अगर टूल्स उसके अच्छे होंगे तभी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। अब अगर इस सेपरेटर की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपका जो हीटर लगा हुआ है वो बीच में लगा हुआ है ना, मिडल में हीटर जो बीच में लगा हुआ है, उसी तरीके से इस सेपरेटर में देखेंगे तो इस सेपरेटर का भी जो हीटर लगा हुआ है वो मिडिल में लगा हुआ है। हीटर मिडिल में लगने से फ़ायदा ये रहता है कि जब आपका मशीन गर्म होगा तो बिल्कुल बीच वाले एरिया में गर्म होगा, तो इससे क्या रहता है कि आपका मशीन अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। वरना बहुत ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें हीटर एक तरफ लगा होता है और यहाँ तक गर्म होने में दिक्कत आती है, तो वो काफ़ी समय तक यहाँ तक गर्म होते होते जाएगा और मशीन सही तरीके से गर्म नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली मशीन होती है, आपका बीच का एरिया सडनली गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमको कटिंग करने के लिए हमको बीच वाले एरिया की ज़रूरत है, ना कि साइड वाले एरिया की ज़रूरत की। ये इसमें लगे होते हैं जिससे जब भी आप कटिंग करेंगे तो आसानी से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सेपरेटर मशीन है, इस सेपरेटर मशीन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आप किसी भी कंपनी की सेपरेटर मशीन को परचेज कर सकते हैं, चाहे ये वाली लीजिए चाहे ये वाली लीजिए, बात यहाँ पर मायने नहीं रखती। बात मायने रखता है कि आप टेक्नोलॉजी कौन सा लेने वाले हैं। आप इस टेक्नोलॉजी से बेहतर है ये वाली जो आई है, आप इसका यूज करेंगे और इसका यूज करने के बाद आप इसको लेंगे। तो ये हमारे सेपरेटर मशीन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और दोस्तों, हमारे साथ एक रमेश जी हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं, जिन्होंने सेपरेटर लिया है। इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा इनका तबीयत भी ख़राब है, तबीयत भी डाउन है, अभी अपना जाना चाहते हैं। तो सर, आप बताइए क्या क्या सारी चीज़ें सीख चुके हैं, अपने बारे में बताइए। काफ़ी चीज़ें सीख चुका है, कॉम्बो कटिंग वटिंग, फोल्डर, डिस्प्ले, आईसी, एएमसी का, वो सब भी सीख। कितना टाइम हो गया सर आए आपको? एक महीना हो गया। इनको सीखते सीखते हो गया। इनका बीच में एक दो बार तबीयत भी ख़राब हो गया था, फिर इन्होंने अपना इलाज भी कराया, यहाँ पर दिखाया था, समथिंग 5000-10000 रुपये इनका पैसा भी लग गया, खर्चा भी हो गया। क्योंकि ये है कि वहाँ से यहाँ पर आए हुए तो इनको खाने पीने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू आया। क्यों प्रॉब्लम इशू आया? क्योंकि कहीं भी जब हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा घर जैसा खाना नहीं मिलता, क्योंकि इनका डाइजेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर इनको घर का खाना मिलेगा तो अच्छा, नहीं बाहर का खाना अच्छी तरीके से हजम नहीं कर पाते, सूट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से ही अपना कोर्स इन्होंने अपना टाइमली अच्छे तरीके से पूरा किया। अब पूरा करने के बाद आज ये दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद फिर वहाँ से इनको ट्रेन जम्मू को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से सीधी ट्रेन इनको आज के दिन जम्मू पे नहीं है। तो इन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है और एक अपना इन्होंने एक ऐसा सेपरेटर भी परचेस किया है। इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप है। ये ऑलरेडी एसेसरीज का काम करते थे। क्या काम करते थे सर, बताइए जरा। बता चुका हूँ। अच्छा, आपने रिपेयरिंग का काम पहले करते थे कि नहीं करते थे? नहीं, थोड़ा करते थे, उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा करते थे। तो अब ये सर एसी सीरीज में जाके अपना एसी सीरीज का तो काम करेंगे, लेकिन एसी सीरीज के साथ साथ अपना रिपेयरिंग का भी पूरा काम करेंगे। तो ये सेपरेटर के बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया हुआ है, अगर जो लोग लेना चाहते हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो इसका चलाने का तरीका भी अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें ऑन ऑफ बटन होती है, पीछे से ऑन करेंगे, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए ऑप्शन होता है, हीटिंग के लिए एक बटन दिया हुआ है, एक वैक्यूम के लिए बटन दिया हुआ है। ये केटी कंपनी का सेपरेटर है और इसका काम और वर्किंग थोड़ा सा अच्छा है, जो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो वीडियो में आज मैंने आपको सेपरेटर के बारे में बताया हुआ है। वीडियो में रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।